देखो आइडिया है हमारे पास, हम भी दोबारा शादी कर लेता है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है बेटा। तो अंकल जी हम जाके तैयारी शुरू कर दे। शुरू करो शुरू करो। गंडगोल तेरा तो लॉटरी लग गया। हेलो सोंटू दा, हम बंगाली बोलता है। सुनो सुनो परसों दिन हमारा शादी है। ए, हम शादी नहीं कर सकता है क्या? वही तो बोलता है इसके लिए तुमको इनवाइट करने के लिए हम फोन करता है। हमारा जितना भी मित्र मंडली है सबको बोल दो बंगाली का शादी है, जरूर आना, खूब मजा मस्ती करेगा। किंतु एक चीज ध्यान रखना, सब लोग वकील जैसा काला कोट पहन के आना, क्योंकि यही फैमिली में हम सबको बोला है कि हम वकील का काम करता है। तो हमारा सब दोस्त लोग जो है वो भी वकील ही होगा, वो भी इधर में क्वेश्चन करेगा ना किस चीज का वकील है। तो ऐसा बोल देना कि जो केस में तुम पिछली बार जेल में गया था वही केस का तुम वकील है। हमारा शादी में जरूर आना। आना नहीं आना नहीं, हमारा शादी कभी भी कैंसिल हो सकता है, आने के पहले फोन जरूर करना। ठीक है छोटू ना, हम रखता है, बाय। बेटा हमें पता चला है कि तुम्हारे पेट में कुछ दर्द हुआ था जिसकी दवा लेने तुम अंकल जी के पास गए थे। लाख बार समझाया तुझे लेकिन फिर भी तूने ये लोचा मारा, क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी? अरे अपूर्वा हम क्या करता, अंकल जी पंकज दादा का शादी में इधर में था नहीं, तो वो इस शादी से बहुत दुखी है कि वो शादी मिस कर दिया। हमको लगा कि हम उनका दुख दर्द कम कर नहीं सकेगा, इसके लिए हम बोल दिया कि हमारा शादी हम कर लेता है। बेटा और जो दुख हम तुम्हें देने वाले हैं उसका दर्द कौन कम करेगा? अभी क्या भाई, उठ अंकल के पास जा और बोल देना कि गलती हो गई, शादी की कोई जरूरत नहीं। दादा प्लीज दादा करने दो ना। करने दो ना क्या, मारूंगा पकड़ के तुझे। अरे जाके किंतु बोलेगा क्या? अबे तू क्या बोलेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर तू नहीं बोलेगा ना तो तू फिर कभी नहीं बोल पाएगा बेटा, क्योंकि मैं जाके बोलने वाला हूँ कि समधी जी हमारा जो मंजिला बेटा है उसे आग पर उल्टा लटका कर अगर नीचे से मर्ची का धुआं नहीं दिया गया तो हमारा जीवन खतरे में है। और तू तो जानता है कि अगर हमने एक बार समधी जी को कुछ बोल दिया तो वो शब्द उनके लिए पत्थर पे लकीर है बेटा। हर बेटा दिल तो नहीं कर रहा है करने को, लेकिन ये सब समधी जी के लिए करना पड़ता है। ये परीक्षा है बेटा, अग्नि परीक्षा समधी जी के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलो, हम जाके अंकल जी को बोल देता है कि हमको शादी वादी का कोई जरूरत नहीं है, कैंसिल कर। जल्दी चल। अरे किंतु तुमको साथ में चलने का जरूरत क्या है, हम जाके खुद संभाल लेगा। बेटा तू तो संभाल लेगा लेकिन तुझे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। चलो ईश्वर तुम्हारे साथ है बेटा। पूरे घर को सजाना है और खाने में सारी गुजराती डिशेस होंगी। शादी के मुहूर्त के बारे में वो मैं समधी जी से, अरे आगे समधी जी से पूछ कर आपको बताऊंगा। ओके समधी जी, क्या आइडिया दिया है परेश ने, बस आप फौरन मुहूर्त निकालिए और इनकी दोबारा शादी करवा देते हैं, धूमधाम से शादी करवाएंगे इसकी। अरे परेश ने जब ये प्रस्ताव हमारे सामने रखा तो हम भी बहुत प्रसन्न हुए थे और हम मुहूर्त निकाल ही रहे थे कि परेश बेटा ने खुद ही आकर हमसे कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करनी? बांग, बांग, बांग। क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम है? हम आपको क्या बताएगा अंकल जी, कुछ तो बताना पड़ेगा ना अंकल को। ओके बताइए क्या बताए। वही जो आपने पिताजी को बताया यहाँ आने से पहले वो बताया। हाँ बेटा कुछ तो बताना पड़ेगा। वो क्या है अंकल जी, देखिए हमारा और पल्लवी का जो शादी कैंसिल हो रहा है, यही बात से हमको बहुत दुख हो रहा है। और अगर कैंसिल नहीं होगा बेटा तो दुख और दर्द दोनों होंगे। बताता है अंकल जी, एक्चुअली क्या है, देखिए पंकज दादा और प्रीति भाभी का जो पिताजी ने दोबारा शादी कराया है उसका खाली यही रीजन था कि हमारा घर का जो बड़ा बुजुर्ग है अगर उनका जान के ऊपर कोई खतरा होगा, कोई मुसीबत होगा तो वो टाल जाएगा। किंतु हमको यही बात का डर है कि अगर हमारा और पल्लवी का शादी हुआ और वो संकट वो मुसीबत फिर से घर में आ गया और ऐसे में पिताजी के जान को बात नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम बिल्कुल बराबर बोलता है अंकल जी। और वैसे भी जब तक पिताजी हमारा कुंडली देख के हमको बोलेगा नहीं कि शादी करो, हम कैसे शादी करेगा? हाँ तो फिर देर किस बात की है समधी जी, फौरन इसकी कुंडली देखिए और बताइए कि परेश और पल्लवी की दोबारा शादी हो सकती है या नहीं। हम अपनी कुंडली लेके आ रहे हैं। अरे बेटा हमें आपकी कुंडली कंठस्थ है और कुंडली के अनुसार समधी जी परेश और पल्लवी की शादी अगले 100 साल तक संभव नहीं है। 100 साल तक संभव नहीं है, थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं है ये? हम भी वही बोलते हैं, 100 साल बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, विधि के विधान को कौन बदल सकता है।
लेकिन समझ लीजिए, हम आपकी खुशी के लिए इनकी शादी कल ही करने को तैयार हैं। क्या बात करता है बिना इच्छा क्यों तक की शोभा? एक मिनट पति भैया, अभी तक पिताजी की बात पूरी नहीं हुई है जी। हाँ? चाहे उसके लिए हमारी जान पर ही क्यों ना बनाए। शादी कैंसिल समझी जी, शादी कैंसिल। हाँ? नहीं करनी है ये शादी, मुझे कोई इस तरह की खुशियाँ नहीं चाहिए। फिर भी समझी जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपकी खुशियों के आड़े आ रहे हैं, हम आपकी खुशियाँ छीन रहे हैं। नहीं नहीं समझी जी, आपने कुछ नहीं किया है, खुशियाँ तो उस तंदाना के बच्चे ने मेरी छीनी, जो 3 दिन तक मुझे अपने घर से दूर रखा कैदी बनाकर। आने तो आज वो आ रहा है, एक एक पल का हिसाब लूंगा मैं उससे। तो समझी जी हम आज्ञा चाहते हैं। जी 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 ओके अंकल, चलो बेटा। हेलो सर। तंदाना कैसा है आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। एनी प्रॉब्लम सर? तुम्हारी वजह से 3 दिन मैं अपने परिवार से दूर रहा। बताए इन 3 दिनों में क्या हुआ है इस घर में? एक शादी हुई जिसके खूबसूरत लम्हे, खूबसूरत मोमेंट्स मैं मिस कर गया। सर आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा क्यों ना करूं, लौटा सकता हूँ ये खुशियाँ जो मैंने मिस की है। हाँ सर, वो सारी खुशियाँ मैं आपको लौटा सकता हूँ। क्या, कैसे? सर जब हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तब मैंने आपके घर में स्पाई कैम फिट किया था, जिसमें 10 दिनों तक की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है। स्पाई कैम? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यकीन था कि आपको ढूंढते हुए वो मुजरिम आपके घर तक पहुंच जाएगा और हम उसकी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। खैर इस वजह से आपके घर में हुई हर बात स्पाई कैम में रिकॉर्ड हो चुकी है। और आप चाहे तो इसी वक्त मैं आपको हर खुशी हर मोमेंट्स दिखा सकता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर जोशी। अपूर्वा जी। जी अंकल। जल्दी आओ बेटा। पंकज, परेश, प्रीति, पल्लवी, समधी जी। क्या बात है समधी जी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। कमाल हो गया। इनसे मिलिए, ये है राजेश जोशी, CBI ऑफिसर उर्फ तंदाना। तंदाना कमाल क्या एक्टर है आप। इट्स पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। या आई कैन अंडरस्टैंड। इन्होंने और एक कमाल किया है, इन्होंने हमारे घर में स्पाई कैम लगाया है, जिससे पिछले 3 दिनों में हमारे घर में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। समझी जी, मैं वो सारी मोमेंट्स देख पाऊंगा जो प्रीति और पंकज की शादी में मैंने मिस की थी। ओ, वो सारी खुशियां मुझे वापस मिल गई है। चलिए ऑफिसर, जल्दी से दिखाइए। आइए। कम आइए, सब लोग आइए प्लीज। पिताजी। अरे सुप्रभात बेटा। अरे मैंने ठेका ले रखा तुम्हारी नकली फैमिली को बचाने का। हाँ, लेकिन रूठ क्यों रहा है तू? अरे रूठो, हर बार तू मुझे ही बताता है। अरे अंकल गए हैं 4 दिन, मुझे राजू बन के घूमने दे। नहीं बनना मुझे ईश्वर, नहीं बनना। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे आओ, कमान चलो देखते हैं। लगा जल्दी से लगा भाई, जल्दी से लगा। वाओ। अब मजा आएगा सर। हाँ। पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी इस घर में हुआ है, हाँ? आप उसका एक एक पल इसमें देख सकते हैं। वाह। अरे तुम लोग ऐसे उल्टे क्यों खड़े हो? इस तरफ है भाई, इस तरफ दिखने वाला है सब। वो हम गणेश जी को नमस्कार कर रहे थे समधी जी। उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। अब ये देखिए, कमान जोशी पुट इट ऑन। सर मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर लेता हूँ ताकि आप पहले दिन से सब कुछ देख पाएंगे। हाँ। या ये देखो, यहाँ पर नकली भाई है, नकली भाभी है, नकली माँ है और नकली।
ये जो मेरा बेटा है ना अपूर्व, बहुत ही भोला है, पागल है। वो अपने नकली परिवार को असली बनाना चाहता है। आज हम अनाथ भाइयों को एक बहन भी मिल गई और हमारा रिश्ता और गहरा भी हो गया। गुड मॉर्निंग पिताजी। अरे सुप्रभात बेटा। अरे पिताजी गुड मॉर्निंग। अरे सुप्रभात बेटा। अंकल जी से बात हुई आपकी? जी जी जी, अभी करके आ रहे। हमने उन्हें प्रवचन सुनाया, सुनकर बहुत खुश होते हैं। बस इसी तरह हर आधे घंटे में आप उनसे बात कीजिए। अरे ये तो हमारा कर्तव्य है बेटा। थैंक यू। काय का थैंक यू है? अरे मैंने ठेका ले रखा तुम्हारी नकली फैमिली को बचाने का। अरे यार लेकिन रूठ क्यों रहा है तू? अरे रूठो, हर अंकल गए हैं, चार दिन मुझे राजू बन के घूमने दे। नहीं बनना मुझे ईश्वर, नहीं बनना, तू बन ईश्वर। अंकल जी से बात हुई आपकी? जी जी जी, अभी करके आ रहे। हमने उन्हें प्रवचन सुनाया, सुनकर बहुत खुश होते हैं। बस इसी तरह हर आधे घंटे में आप उनसे बात कीजिए। अरे ये तो हमारा कर्तव्य है बेटा। सर लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। शॉर्ट सर्किट हुआ? क्या हुआ? ओ शॉर्ट सर्किट हो गया। चलो कुछ करो भाई। सर मैं किसी और तरीके से देखता हूँ कि डेटा कलेक्ट हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज। सर सॉरी सर, लगता है पूरी मेमोरी लॉस हो गई। What? भगवान गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। समझी जी, यहाँ पे पूरा डेटा खराब हो गया है और आप गणपति बप्पा मोरिया बोल रहे हैं। क्यों? समझी जी, दरअसल अभी जिस मूषक ने, मूषक मतलब चूहा ना, चूहा चूहा, यानी कि जिस चूहे ने इस वायर को काटा है उसकी वजह से ये तकलीफ हुई है समधी जी। लेकिन मूषक गणेश जी का वाहन है और मूषक ने हमारे घर में प्रवेश किया है, इसका अर्थ है कि गणेश जी ने भी हमारे घर में प्रवेश किया है। उनका वास है हमारे घर में और गणेश जी की असीम कृपा बनी हुई है हम पर, इसीलिए हम सबने कहा कि गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। झांसी की मिट्टी की कसम, ये वीरनी आखिरी बूंद तक, अपने खून के आखिरी बूंद तक गोरों से लड़ती रहेगी, लेकिन अपनी झांसी कभी गोरों को नहीं देगी। बिलानी जी, हम आपको कैसा लगा? खूब भारो देखते दादा।
तिनका तिनका घरौंदा न बने दीवारों से, न बने चौखट दरवाजों से, ये बने अपनों से, प्यारे न्यारे रिश्तों से। ये क्या था? मैं जब अनाथाश्रम में हुआ करता था ना, तब ये कविता मैं हर रोज पढ़ता था और हमेशा सोचता था कि यार ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है। मेरा ये नकली परिवार अब सच्चा बनने जा रहा है। अपूर्वो, एक बात तो तुम एकदम करेक्ट बोला है, करेक्ट। और यही सब काम में हम तुम्हारे साथ में है। एक तो काज करो, ए ट्री पे ए हमारा और पल्लवी का फोटो भी लगा दो। ए, ये फोटो तूने कहाँ से ली? ए, तुम होता कौन है हमसे क्वेश्चन करने वाला? अब बोलो तुम लगाओ। ए, मैं भाई हूँ जो तुम लोगों को तनख्वाह देता हूँ, समझा? हाँ, तनख्वाह देता हूँ बोलता है। हम इधर में से भाग जाएगा तो तनख्वाह किसको देगा? अंकल जी पंखा पे उल्टा लगाएगा, फटका मारेगा तो पता लगेगा। अब बोलो तुम खाली क्लियर कर हमको इतना बताओ कि हमारा और पल्लवी का शादी कब करा था, बोलो। अरे दफर, ये जो शादियाँ होती है वो इस बोर्ड पे नहीं बनती, ऊपर बनती है। ऊपर का स्वर्ग में? हाँ, उसके लिए स्वर्गवासी होना पड़ता है। होएगा? पूरी वो बनाएगा भैया। अपूर्व भैया, अपूर्व भैया, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि आप ही ने हमें सिखाया है कि दाम्पत्य जीवन में आश्चर्यचकित करने वाले छोटे छोटे क्षणों का क्या महत्व होता है। क्या सिखाया तूने इसको भाई? मैंने इसे कहा था कि शादीशुदा जिंदगी में छोटे छोटे सरप्राइजेस बहुत जरूरी होते हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पुनर्जन्म हुआ हो। आज प्रातःकाल प्रीति जी ने चाय बनाकर दी, उसके बाद हमारे लिए नाश्ता तैयार किया। इतने सुहाने पल हैं ये। हमें तो लगता है कि सभी को दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाना चाहिए और इस प्रयास में रहना चाहिए कि कम से कम एक बार दिन में अपने जीवन साथी के चेहरे पर चमक देख सके। बिल्कुल सही कहा तुमने पंकज। और यही चमक आरती के चेहरे पर देखने के लिए मैंने भी ये नकली परिवार खड़ा किया ना। देखिए अपूर्व भैया, हम प्रीति जी को नृत्य में मिली इस मूर्ति को कितना चमका कर लाए हैं। इसकी चमक देखकर वो पहचान नहीं पाएंगे कि ये मूर्ति उनकी है। क्या बात है पंकज, क्या बात है। मुझे नाज है तुम पर और मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रीति बहुत खुश हो जाएगी। चल प्रीति को सरप्राइज दे। दादा हम पल्लवी को लेकर आता है। अरे क्या बात है, आप सब एक साथ? हम सब यहाँ पर एक साथ इसीलिए है क्योंकि हम तुम्हारे चेहरे पर आने वाली चमक देखना चाहते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समोसे जैसी नाक्सा। प्रीति जी से कहिए पंकज जी इनके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। गिफ्ट? क्या लाया पंकज जी? प्रीति जी, आपका पुरस्कार जो आपको नाट्य प्रतियोगिता में मिला था, हम उसे चमका कर लाए हैं। अब से ये हमारी कक्षा रहेगा। लेकिन पंकज जी, मुझे किसी भी कॉम्पिटिशन में कोई भी ट्रॉफी नहीं मिली है। ये नटराज की मूर्ति अगर तुम्हारी नहीं है तो किसकी है फिर? अरे तुम लोगों ने किसी ने मेरी ट्रॉफी देखी है क्या? अरे पंकज, अरे ये तो मेरी ट्रॉफी है। पंकज, तूने कितनी अच्छी तरह से पॉलिश करवा के पैक करके रखी है। ये मेरा पहला प्राइज है, बेस्ट एक्ट्रेस का फर्स्ट प्राइज। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। टपरा 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 टपरा, झांसी की मिट्टी की कसम, ये वीरनी आखिरी बूंद तक, अपनी खून के आखिरी बूंद तक गोरों से लड़ती रहेगी, लेकिन अपनी झांसी कभी गोरों को नहीं देगी। भारत माता की जय। माता क्या करी, क्यों चिल्लम चिल्ली कर रही है आप? हाँ। हाँ। अपूर्व, पता है तुम्हें, आज 40 साल से सिर्फ मैं ही रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाते आई हूँ। बुरी बाबा, 40 साल से? तुम्हारी अभी में तुम्हारा उम्र क्या है एक्चुअली? चुप कर। इस साल बिना ये रोल मैं ही निभाऊंगी, इसलिए ट्रॉफी निकाल कर रखी थी। मैं तो अपने युवा शक्ति नाट्य मंच के फोन का इंतजार कर रही हूँ। हर साल हम इसी महीने की 15 तारीख को रिहर्सल शुरू करते हैं। आज 20 तारीख हो गई,
अब तक फोन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया होगा भला? मैं जाकर दामोदर की चाय के कट्टे पर देख कर आती हूँ। चाय के कट्टे पे? हमारे नाटक के सारे सुपरस्टार हमेशा वहीं मिलते हैं। ए, नाटक का भी सुपरस्टार होता है? मैं जाकर आती हूँ, लेकिन तब तक अगर मेरे लिए कोई भी फोन आए ना, तो कह देना कि रानी लक्ष्मीबाई उर्फ दामिनी देवी दीवान रेडी है। गया घोड़ा पानी में। वो? अरे यार, मैं ये बात कॉन्ट्रैक्ट में डालना कैसे भूल गया कि कोई भी आदमी अपने पर्सनल यूज के लिए घर का फोन नंबर नहीं देगा। हाँ। और आप सुनो, अगर दामिनी देवी दीवान के लिए कहीं से कोई भी फोन आए तो रॉन्ग नंबर होना चाहिए। एक मिनट राजू, माँ इस फोन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं लगेगा। ठीक नहीं लगेगा? और अगर वो गड़बड़ हो गई ना, तो जो अंकल करेंगे ना, हम में से किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। और वहां बैठे जो तो पेड़ बना रहा था ना ब्रांचेस, उसकी जड़ें हिल जाएंगी। अरे भाई, अगर एक बार ये मोहतरमा रिहर्सल के लिए चली गई ना, तो बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ पूर्वो, हम भी ऐसा किधर में सुना है, एक जो नाटक नौटंकी का नशा होता है ना, वो और किसी भी नशा से खतरनाक होता है। हाँ भैया, आपने देखा नहीं कि कैसे स्वयं रानी लक्ष्मीबाई माँ के भीतर प्रकट हुई थी? यदि अंकल जी और आरती के समक्ष भी ऐसा हुआ तो? मालिक, आप कमरे में जाकर छुप जाइए। मैं इसे आपके पास नहीं आने दूंगा। मैं इसे आपको नहीं ले जाने दूंगा। अरे, मैं इन्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं दामिनी जी को लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, दामिनी जी को? सुंदन जी को ले जाना आया।